और अब आइए आपको लिए चलते हैं महानगर कोलकाता के खिदिरपुर में, जहां स्मार्ट प्लाजा मार्केट में एक OUD नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन उपस्थित हुई। दुकान की ओपनिंग रिमी सेन के हाथों ही हुआ। उन्होंने फीता काट कर दुकान की ओपनिंग की। आपको बता दें कि OUD शॉप में तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जैसे माइक, एयरफोन्स और साउंड बॉक्स वगैरह लेना हो तो आपको सही कीमत पर OUD शॉप में मिल सकता है। इस मौके पर रिमी सेन ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि मैं कोलकाता आई हूं और कोलकाता के लोगों का इतना प्यार हमें मिला है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि OUD शॉप भी लोगों की पसंद बनकर उभरेगा। वहीं OUD शॉप के ओनर शोएब खान और आदिल खान ने भी लोगों को एक बार ज़रूर आने की गुजारिश की। आपको काफ़ी लोग यहाँ पर चाह रहे हो, काफ़ी मोहब्बत कर रहे हैं और काफ़ी लोग आपका यहाँ दीवाने हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ क्योंकि कलकत्ता मेरी सिटी है और मैं कलकत्ता से ही हूँ। 20 साल मैं यहाँ पर गुजारी हूँ। मेरा फैमिली, मेरा स्कूलिंग सब कुछ कलकत्ता से हुआ है, तो वो म्यूचुअल प्यार तो होगा ही हम दोनों के बीच में। जी, आप यहाँ पर आई हुई ये जो आपका ओपनिंग हुआ, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? यहाँ पर जो आप आई हुई, यहाँ पर जो ओपनिंग हुआ, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये इनकी आई थिंक पहली शोरूम है जो ओपन हो रही है, और एवरी बिजनेसमैन का हमेशा ये इंटेंशन होता है उस जो भी शुरू करे उनका काम बहुत वो आगे जाके बहुत लंबा चले और उनका बहुत सक्सेस मिले। तो मैं यही उम्मीद करूँगी क्योंकि मैं फैज से मिली, मैं अरविंद जी से मिली और एंड दे आर पीपल विद वेरी गुड इंटेंशंस, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि उनके साथ अच्छा हो, वो जो भी चालू करे वो हमेशा बहुत लाइफ में आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही रहे और ग्रो करते रहे। आपकी दो तीन मूवी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंटरटेन की है लोगों को, जैसे हंगामा है, फिर से हेरा फेरी है, तो आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अभी एक्टिंग तो कर नहीं रही हूँ क्योंकि लड़कियों के लिए एक्टिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड है, तो मैं वो पहले से ही समझ गई थी, तो मैं अभी बिजनेस में शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ूंगी नहीं, तो एज ए प्रोड्यूसर मैंने एक फिल्म बनाई थी बुधिया सिंह बॉन्टूरन, जिसको नेशनल अवार्ड मिली थी 2016 में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं, वो बनाएंगे, और एक दो वेब सीरीज भी पाइपलाइन में है लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। फिलहाल इसका स्क्रिप्टिंग चल रहा है तो ये कंफर्म है, लेकिन इसको भी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं उसको छोड़ के भी कुछ और लाइन ऑफ बिजनेस भी कर रही हूँ, तो वो मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूँगी। क्या यहाँ क्या क्या रखें? हमारे पास OUD के ऑल एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज है, नेक बैंड, चार्जर, मेमोरी कार्ड, पावर बैंक, आपका स्पीकर और माइक स्पीकर और केबल्स, डोंगल, मतलब ऑल एक्सेसरीज़ है अपने पास। और उसकी क्वालिटीज़ जो है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है जो भी है। और हमारा OUD मोबाइल एक्सेसरीज़ है, नहीं हम लोग वेस्ट बंगाल के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर स्टॉकर्स हैं, सॉरी। हमारे पास कॉम्बो है, मोबाइल कॉम्बोज है, और मोबाइल ग्लास, मोबाइल कवर्स आने में, बैटरीज हमारे नेक्स्ट वीक या मतलब हफ्ते 10 दिन में लॉन्च करेंगे हम लोग। मार्केट का बहुत हाईलाइट होगा, इसके मार्केट का बहुत तरक्की का रास्ता है। इस तरह का अगर ऐड हो गए मार्केट, अगर बहुत सारे दुकानदार ऐसा अगर करे तो खिदिरपुर का भी नाम होगा, अपना मार्केट का भी बहुत नाम। आज OUD वाले जिस तरह किए हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा, जिस मार्केट को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले दिन में। जी, ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग तो पहले, इससे पहले हम बहुत सारे, मतलब बहुत साल से जुड़े हुए मार्केट में, हम ऐसा देखे नहीं है ऐसा भीड़ भाड़ इस तरह का, ऐसा होने से हम लोग को मार्केट में बहुत फ़ायदा होगा कि कस्टमर को भी ये होगा कि आने वाला दिन में अगर कोई दूसरा दुकानदार इस तरह का करेगा तो उसको आके देखने के लिए भीड़ होते, मेरा मार्केट का नाम होगा, दुकानदार का नाम होगा, खिदिरपुर का भी नाम होगा। मार्केट का मतलब कुछ आगे वो फ़ायदा हो, अच्छा हो भाई, हमारी मार्केट चले, इसके लिए हम लोग ने ब्रांड चले आगे, इसके लिए हम लोग ने बुलाया था उसको, समझे कि भाई
कोई भी ब्रांड है मार्केट में, बहुत से ब्रांड हैं समझे नहीं, तो सबको चीज़ से फ़ायदा होगा ग्राहक जब आएगा इस मार्केट में कि भाई यहाँ उसके लिए सबको फ़ायदा होगा, वो हिसाब से हम लोगों ने बुलाए थे। और जो भी ग्राहक आया उसके लिए शुक्रिया, जो भी आया उसके लिए शुक्रिया, सब